हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज के न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपको आज के लेटेस्ट जॉब पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पढ़ाई के ठेके पर शिक्षक का सस्पेंड। तो यहाँ पर जो ठेके पर शिक्षक रखा गया था उस पर जो है यहाँ पर सस्पेंड का लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि पौड़ी में यहाँ पर एक शिक्षिका ने यहाँ पर 250 रुपये प्रति माह पर एक नई जो है अस्थायी तौर पर रखा गया था, जिसमें जो है अपनी स्कूल में नहीं थी बल्कि उसको यहाँ पर जो है ड्यूटी दे दी गई थी और वेतन पर जो है लगा दी थी रोक। तो यहाँ पर अब उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है और कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों से रिकवरी के आदेश पर रोक। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों से अब रिकवरी को लेकर जो है यहाँ पर रोक लगा दी गई है। बताया गया कि यहाँ पर हाई स्कूल के शिक्षकों के वेतनमान विवाद में जो है हाईकोर्ट ने फैसला जो है रिकवरी के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने 936 से ज़्यादा यहाँ पर याचिकाओं पर जो है सुनवाई का फैसला कर दिया गया है। सरकार और अन्य पक्षकारों को जो है नोटिस जारी कर जो है 4 हफ्ते में जवाब मांगने की कोशिश की है। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूल में बंदरों का हमला, कई छात्राएं घायल। तो यहाँ पर देखते हैं गंगोरीहाट जैसी की बात है और यहाँ पर जो बंदरों का हमला हो रखा है और छात्राएं कई घायल भी हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं हॉस्पिटल ले जाते हुए। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्रवृत्ति को यहाँ पर 31 अक्टूबर तक आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर उप निर्देशक हीरा सिंह बसेड़ा ने बताया कि 15 नवंबर तक जो है शिक्षण संस्थान में जो है नामित नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को जो है सत्यापित किया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर चंपावत में जो है स्कूलों के जीर्ण जो यहाँ पर शौचालय है उसकी मरम्मत होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाल ही में आपको पता होगा एक छात्र की मृत्यु हो चुकी थी और यहाँ पर शौचालय टूटने की वजह से, तो यहाँ पर इसको अब यहाँ पर नया बनाया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर JJIC धौलाखेड़ा में का निरीक्षण किया। तो JJIC धौलाखेड़ा का जो है बुधवार को विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने यहाँ पर जो है जो अच्छे निरीक्षण का व्यवस्था हुआ यहाँ पर जायजा लिया और इस दौरान जो है विद्यालय के प्रधानाचार्य अवकाश पर थी ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर LT शिक्षकों के अंतरमंडली तबादलों का रास्ता जल्द खुलेगा। तो यहाँ पर अंतर जो आपका यहाँ पर तबादले होते हैं उनका यहाँ पर जो है खुलने वाला है और कहा गया कि प्रदेश में LT शिक्षकों के जो है अंतरमंडली यहाँ पर तबादलों और यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों के यहाँ जो सहायक अध्यापक LT संवर्ग में है घोषित कर दिया गया है और उसका रास्ता साफ कर दिया गया है। इसमें यहाँ पर जो है दोनों संवर्गों के करीब जो है 27,000 शिक्षकों को यहाँ पर लाभ होगा और ये अधिकारी कमेटी के शामिल, तो यहाँ पर अधिकारियों को कमेटी शामिल भी किया गया है। जल्द ही इनका यहाँ पर जो है अंतर जनपदी जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब 25 सितंबर तक जो है माघी स्कूलों की सूची। तो यहाँ पर देख सकते कि प्रदेश के सभी स्कूलों में जो है बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र शिक्षकों सहित तमाम स्टाफ का जो है वह फोटो युक्त प्रोफाइल सूचना पट पर जो है सार्वजनिक किए जाने के आदेश किए गए थे, लेकिन अभी तक जो है किसी भी ज़िले में जो है यह कार्य 100% नहीं किया गया। तो अभी तक कोई भी ज़िले में कंप्लीट नहीं हो रखा है और इसमें जो है 23 अगस्त को जारी किया गया था आदेश, फिर उसके बाद 12 सितंबर को आदेश किया गया था, लेकिन 2 आदेश के बाद अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर से एक नया आदेश जारी कर दिया गया है और कहा गया कि 25 सितंबर तक जो है 100% जो है यहाँ पर सूचना जो है उपलब्ध किए जाने के आदेश जारी किए हुए हैं। और वहीं 8 साल से यहाँ पर जो है बगैर प्रधानाचार्य चल रहा राय का छतियानी। तो यहाँ पर स्कूलों में जो है काफ़ी भारी कमी शिक्षकों की और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गरुड़ है वहाँ पर भी जो है शिक्षकों की कमी देखी गई है। प्रधानाचार्य अभी लगभग जो है 8 साल से यहाँ पर नहीं है तैनात। और वहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉलेज में जो है वर्तमान में 5 प्रवक्ता और यहाँ पर 6 LT संवर्ग के शिक्षक हैं और पुराने भवन में जो है चल रखी है ऐसा बताया गया है। विज्ञान प्रयोगशाला की उचित व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर शिक्षकों की कमी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें कमी हैं ऐसा बताया गया है और मांग भी यहाँ पर की गई है। और बारिश में जो है कक्षा और कक्षों में जो है टपकता है पानी और स्कूल में जो है प्रयोगशाला भी नहीं है ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रवक्ता और LT संवर्ग में रिक्त पदों को जो है भरने और भवन निर्माण के संबंध में शासन प्रशासन को यहाँ पर जो है कई बार जो है लिखा जा चुका है। स्कूल में जो है कक्षाएं संचालित करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त कक्षाएं और खोलने के लिए मैदान समुचित व्यवस्था नहीं है ऐसा बताया गया है। तो स्कूल में प्रवक्ता LT की पोस्ट भी यहाँ पर इनमें कमी है देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्कूलों में जो है व्यवस्थाएँ नहीं है, समस्याओं में जो है उत्कृष्ट बना JIC। तो यहाँ पर JJIC में जो है हिंदी पढ़ाने के लिए न प्रवक्ता है ना ही LT शिक्षिका। तो यहाँ पर LT और प्रवक्ता के शिक्षक भी यहाँ पर नहीं है स्कूलों में देख सकते हैं। अटल उत्कृष्ट आदर्श
राय का मुझे छात्रों के लिए जो है न कक्षा है न सभागार है ऐसा बताया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत की बात है। यहाँ पर भी स्कूल में शिक्षकों की कमी है और यहाँ पर साथ में आपके जो कक्षा कक्ष है वहाँ पर भी कमी चल रखी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय में जो है हिंदी पढ़ाने वाले में जो है प्रवक्ताओं के 10 पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिले में चंपा जिले में 10 पद अभी रिक्त हैं ऐसा बताया गया है। और जैसे जो है JJIC में जो है मुख्यालय में जो है करीब यहाँ पर जो है बताया गया कि कॉलेज में हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई भी शिक्षक यहाँ पर नहीं है ऐसा बताया गया है। और प्रधानाचार्य जो भुवनेश्वरी करना ने बताया कि यहाँ पर जो है 6 से लेके इंटर तक के जो है सभी लगभग 509 छात्र छात्रा हिंदी पढ़ने के लिए यहाँ जो है शिक्षिका नहीं है अब ऐसा बताया गया है। इसमें और भी शिक्षक है जिसका यहाँ बताया गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों की कमी अभी स्कूलों में चली हुई है। और वहीं यहाँ पर जो है बताया गया कि बच्चे जो है स्कूल में भोजन करने आते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिथौरागढ़ जो आपका यहाँ पर मुनाकोट है यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल में जो है 12 दिन में जो है शिक्षक विहीन है। और यहाँ पर जो है बच्चों के लिए जो है खाना बनाने के लिए यहाँ पर जो है नियुक्त है भोजन माता और विद्यालय का जो है संचालन कर रही है। और विद्यालय विभाग जो है अब तक जो है शिक्षक यहाँ पर जो है व्यवस्था नहीं कर सका है। तो यहाँ पर स्कूलों में देख सकते हैं यहाँ पर कई शिक्षकों की कमी है और कुछ इस तरह का यहाँ पर मामला आ रखा है आप लोग देख सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आयोग की भर्ती में जो है मिलेगा निःशुल्क आवेदन का मौका। तो यहाँ पर जो है UKPSC की जो पोस्टें हैं आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से शासन को यहाँ पर जो है मांगे थे प्रस्ताव, तो ये आप लोगों के पहले फॉर्म इतने आए थे पटवारी के देख सकते हैं लगभग जो 1.5 लाख के करीब थे, फॉरेस्ट गार्ड के भी लगभग जो है 1.5 लाख के करीब नहीं है। सहायक लेखाकार भी आपके यहाँ पर 26,000 पदों पर यहाँ पर 26,000 पोस्ट यहाँ पर जो है आपके आवेदन आए हुए थे। तो अब यहाँ पर फिर से होने हैं ऑनलाइन आवेदन। जिन्होंने यहाँ पर जो है पहले फॉर्म फिल किया था उनको यहाँ पर निःशुल्क देना होगा। और बताया गया है कि यहाँ पर जो है लोक सेवा आयोग की ओर से अक्टूबर में विज्ञप्ति आनी है जिसमें आपको पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर जो है बाकी 3 का जो है शुल्क निःशुल्क आवेदन यहाँ पर जो है और यहाँ पर आयु सीमा का छूट का लाभ मिल सकता है। तो आयु सीमा भी आपकी छूट मिल सकती है और आयोग ने जो है इस पर जो है शासन से यहाँ पर जो है दिशा निर्देश मांगे हैं। तो शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं और आयु और शुल्क को लेकर जो है यहाँ पर हमने शासन को यहाँ पर जो है पत्र भेजा है। जैसे ही हम जो है वहाँ से जानकारी आएगी तो उसी हिसाब से जो है विज्ञप्ति में जो है प्रावधान किए जाएंगे ऐसा यहाँ पर लोक सेवा आयोग के सचिव ने कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर LT शिक्षकों के अंतरमंडली तबादलों का जो है रास्ता जल्द खुलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ठेके पर जो है यहाँ पर शिक्षिका रखने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापिका निलंबित भी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ विरोध में यहाँ पर कोर्ट जाने की तैयारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं तैयार है प्रधानाध्यापक और कहा गया कि सीधी भर्ती में जो है हम कोर्ट जा सकते हैं। और इसमें कहा गया कि यदि सरकार जो है 100% यहाँ पर प्रधानाचार्य को जो है प्रमोशन देती है तो करीब जो है यहाँ पर 498 जो है अतिरिक्त पद यहाँ पर बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो है इन अतिरिक्त पदों पर जो है यहाँ पर सीधी भर्ती करवा सकती है ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इस तरह का यहाँ पर जो है मांग कर रखे हैं। शिक्षा भर्ती में जो है कोर्ट जाने की बात कही गई है। नौकरी के नाम पर जो यहाँ पर 8.5 लाख की ठगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीड़ित छात्र ने यहाँ पर जो है SSP पौड़ी से यहाँ पर की शिकायत साइबर सेल को जो है सौंपी गई जांच। तो यहाँ पर देख सकते हैं नौकरी के नाम पर यहाँ पर 8 लाख के करीब जो है यहाँ पर ठगे गए हुए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर दोनों विश्वविद्यालय में यहाँ पर जो गड़बड़ी पर जो है नोटिस। तो यहाँ पर जो है हाईकोर्ट सख्त और सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दून विश्वविद्यालय में जो है कोर्ट ने बुधवार को जो है यहाँ पर दून विश्वविद्यालय में वित्तीय जो गड़बड़ियाँ हैं उसकी की जांच करने के यहाँ पर जो है आदेश पर जनहित में यहाँ पर सुनवाई की गई है और जल्द यहाँ पर इसका नोटिस जारी भी किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सहकारी बैंक भर्ती घपले की जो है जांच रिपोर्ट आखिरी दौर में। तो यहाँ पर देखते हैं कि सहकारी बैंक जो आपके लगभग जो है 430 के करीब जो पोस्ट आपके आई थी चतुर्थ श्रेणी के उन पदों पर जो है भर्ती जांच की जो है अंतिम दौर पर है। और बताया गया कि यहाँ पर जो है देहरादून और पिथौरागढ़ की जो है जांच रिपोर्ट पहले ही जो है शासन को यहाँ पर मिल चुकी है। अब US नगर की जो रिपोर्ट है वो भी जल्द यहाँ शासन को जमा होगी। इसके बाद जो यहाँ पर शासन स्तर से जो है इन भर्ती पर जो है जाँच रिपोर्ट को आधार बनाकर फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इन पर जो है भर्ती का फैसला लिया जाना है कि भर्ती का प्रोसेस क्या होगा आगे को। इन लास्ट आपका जांच है वो अंतिम दौर पर है, उसके बाद ही आपके पता चलेगा। और उसमें जो है भर्ती पर काफ़ी बड़े यहाँ पर धांधली के मामले आए हुए थे इसमें।
और वहीं बात करें यहाँ पर पुलिस विभाग में, यहाँ पर जो है 433 जो है नए पद सृजन होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस विभाग में जो है 433 जो नए पद हैं वो सृजन करने की बात कही गई, जिसमें आपके यहाँ पर बताया गया कि पुलिस विभाग में जो कई पद हैं इसमें जो है यहाँ पर 433 पद जो है यहाँ पर सृजन की जाएंगी। इसमें आपका जो सृजन की जाएंगी ATS की 158 पोस्ट, और यहाँ पर जो है और ANTS के यहाँ पर तुम्हें है 32 पोस्ट, और यहाँ पर जो है 15 3 पोस्ट, और यहाँ पर AHTC में 191 को, और गोरक्षी संरक्षण स्क्वाड में यहाँ पर 36 पोस्ट है। यहाँ पर वर्तमान पुलिसकर्मी को जो है तैनात करना पड़ा है। तो इसमें जो यहाँ पर ACS के जो है 433 जो है पुलिसकर्मी की जो है यहाँ पर नई पद स्वीकृत करने की बात यहाँ पर चली हुई, जो कि मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे ऐसा यहाँ पर DGP ने बताया हुआ है। बात करते हैं अपन स्नातक स्तरीय परीक्षा धांधली के सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्नातक स्तरीय परीक्षा धांधली में सभी आरोपी अब गिरफ्तार कर दिए जा चुके हैं, और DGP अशोक कुमार बोले कि मामले में जो है यहाँ पर जांच लगभग पूरी हुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी हो चुकी है आपके यहाँ पर BDO भर्ती धांधली को लेकर। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा जो है STF की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, तो कंप्लीट हो चुकी है। और DGP अशोक कुमार ने का कहना है कि अब जो है अब तक जो है पूरे चयन पुलिस की जो है गिरफ्त में आ चुका है, जबकि अन्य भर्तियों की जहाँ जाँच में बड़े खुलासे होने बाकी हैं। तो बताया गया कि अब बाकी जो भर्तियां होंगी उसमें भी और खुलासे होने हैं, लेकिन जो BPD वाला चरण था उसमें यहाँ पर जो है खुलासा हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पर वो बताया गया कि STF वर्तमान में जो है जो BDO 2016 वाला है, सचिवालय रक्षक है, वन दरोगा वाला है, इसकी जाँच यहाँ पर कर रही है। इसमें कुछ गिरफ्तारियाँ यहाँ पर जो है हो चुकी हैं, और भविष्य में जो है बड़ी गिरफ्तारियाँ होंगी, तो और भी जो है बड़ी गिरफ्तारियाँ यहाँ पर होनी है इन भर्तियों में। और DGP अशोक ने बताया कि यहाँ पर स्नातक स्तरीय परीक्षा धांधली में जो है अब तक जो है 41 गिरफ्तार हो चुके हैं, और इसमें जो है STF ने 18 आरोपी के खिलाफ जो है विभिन्न धाराओं में चार्जशीट जो है दाखिल कर चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं BDO भर्ती में आकर BDO में 41 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वन आरक्षी मामले में हो सकती है कार्रवाई। तो यहाँ बताया गया कि वन आरक्षी परीक्षा में जो है ब्लूटूथ से नकल की बात सामने आई थी, और इस प्रकरण में जो है यहाँ पर एक मुकदमा जो है मैंगलोर थाने में दर्ज किया गया था। अब मगर जो है इसमें आपसी समझौता के आधार पर जो है फाइल रिपोर्ट जो है लगाई जा चुकी है ऐसा बताया गया है, और हाईकोर्ट के आदेश पर जो है इसकी जांच बंद कर दी गई थी ऐसा बताया गया है। मगर परिस्थितियों और यहाँ पर मुकदमे का परीक्षण किया जा रहा है, और अब तक जो है वो कानूनी सलाह ली जा चुकी है, और जल्दी जो है इस मामले में कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। तो वन विभाग में जो वन आरक्षी वाला था उस पर भी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है ऐसा बताया गया हुआ है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि पेपर लीक जो है जांच जो है लगभग पूरी हो चुकी है, धांधली के किरदार जो है पुलिस गिरफ्त में DGP ने कहा है, और DGP बोले कि BDO सचिवालय रक्षक वन दरोगा और भर्ती की जो है जांच में बहुत कुछ बाकी, तो इनमें जो है भी बहुत कुछ बचा हुआ है ऐसा बताया गया है। लेकिन स्नातक स्तरीय जो परीक्षा थी उसमें जो है कंप्लीट हो चुका है ऐसा यहाँ पर DGP का कहना है, और जो है वन आरक्षी में भी यहाँ मुझे कई खुलासे भी और हो सकते हैं। और CBI मांग को लेकर जो है उत्तराखंड क्रांति दल का जो है धरना प्रदर्शन, तो यहाँ पर देख सकते हैं CBI मांग को लेकर जो है UKD ने जो है लगातार धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर साथ में किया हुआ है। बात करते हैं आज के जॉब अपडेट को लेकर, कोल इंडिया लिमिटेड में जो है 41 पदों के लिए पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें आपको यहाँ पर 20 अक्टूबर तक आवेदन करना है। ऑफलाइन तरीके से वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, और सेल में जो है अवसर 16 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए यहाँ पर जो अनुबंध के आधार पर 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर नई दिल्ली में VMMC SGH यहाँ पर 434 पदों के लिए सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों की पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं 28 सितंबर तक। इसके लिए यहाँ पर 800 रुपये का शुल्क रहेगा, और साथ ही यहाँ पर जो है इन पदों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बामर लॉ री एवं कंपनी लिमिटेड पोस्ट में निकाली गई है 30 सितंबर तक, और सिकंदराबाद छावनी परिसर में भी पोस्ट निकाली गई है। साइक इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन अन्य पदों पर 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।